नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी भोपाल के छोला थाना अंतर्गत ब्लू वन कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मृत्यु। बताया जा रहा है कि युवक गरीब नगर चांदबाड़ी का रहने वाला है। युवक का नाम विनोद सेन है और 80 फीट रोड पर नाई की दुकान चलाता था। मौके पर पहुंची छोला थाने की पुलिस कार्रवाई करके हमीदिया अस्पताल मर्चुरी रूम में रवाना किया गया। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उस मृतक का नाम विनोद सेन है। 15-16 साल से भोपाल शहर में रह रहे थे। इनकी नाई की दुकान है। मृतक की बीबी और 2 बच्चे हैं। केकेआर न्यूज के लिए भोपाल से संवाददाता रईस खान की रिपोर्ट। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल केकेआर न्यूज पर। इस वक्त हम मौजूद है बिलवन कॉलोनी में। यहाँ एक युवक की ट्रेन के पास चपेट में आने से मृत्यु हो गई। लोगों का कहना है कि ये आटा डालने निकले थे अपने घर से, ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु। भोपाल से कैमरा पर सर, ये छोला थाना अंतर्गत बिलवन कॉलोनी के पास एक बंदा ट्रेन की चपेट में आने से मृत्यु हो गई, इसमें आपका क्या कहना है? ये विनोद सेन है, यहाँ करीब 15-16 साल से भोपाल में रह रहे थे। नाई की कटिंग की दुकान इनकी है। मूलतः ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये 2 लड़के हैं। उन्होंने आज दोपहर में आज ट्रेन के सामने आके आत्महत्या कर दी। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।